दिवाली आने वाली है। हमें उम्मीद है महालक्ष्मी के स्वागत की तैयारी में आप कई दिनों पहले से ही जुट गए होंगे। घरों और अपने काम करने की जगहों की साफ सफाई, रंग रोगन के बाद उसे सजाने भी लगे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली पर यदि वास्तु नियमों के अनुसार दिशाओं और रंगों को ध्यान में रखकर कार्यस्थल या घर की सजावट की जाए तो निश्चित रूप से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे एवं खुशियां, सफलता और समृद्धि आपके जीवन में दस्तक देंगी। तो आइए जानते हैं कि किन किन चीजों की सजावट आपको वास्तु के अनुसार दिवाली पर मुख्य रूप से करनी चाहिए। तोरण, मुख्य द्वार पर बांधने वाले तोरण को बंधनवार भी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी के स्वागत में और उन्हें प्रसन्न करने के लिए दरवाजे पर इसे बांधना शुभ माना गया है। तोरण का चयन करते समय घर की दिशा के अनुसार रंगों और आकार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके घर का मुख्य द्वार पूर्व में है तो हरे रंग के फूलों और पत्तियों का तोरण लगाना सुख समृद्धि को आमंत्रित करता है। घर की दिशा के उत्तर के मुख्य द्वार के लिए नीले या आसमानी रंगों के फूलों का तोरण लटकाना चाहिए। यदि घर का प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा में है तो लाल, नारंगी या इससे मिलते जुलते रंगों से द्वार को सजाना चाहिए। पश्चिम के मुख्य द्वार के लिए पीले रंग के फूलों के तोरण लाभ और उन्नति में सहायक होंगे। ध्यान रहे, पूर्व और दक्षिण के द्वार पर किसी भी धातु से बने तोरण को नहीं लगाना चाहिए। पश्चिम और उत्तर दिशा के द्वार पर धातु का तोरण लगाया जा सकता है। इसी प्रकार उत्तर, पूर्व और दक्षिण दिशा में बने प्रवेश द्वार पर लकड़ी का तोरण लगाया जा सकता है, लेकिन पश्चिम दिशा में लकड़ी से बने तोरण को लगाने से बचना चाहिए। रंगोली, तोरण की तरह ही रंगोली भी दिवाली की सजावट का अहम हिस्सा है। शुभता का प्रतीक रंगोली आटा, चावल, हल्दी, कुमकुम, फूल पत्तियों या अनेक प्रकार के रंगों से अलग अलग डिजाइन्स में बनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि वास्तु नियमों के अनुसार रंगोली दिशाओं और रंगों को ध्यान में रखकर बनाई जाए तो आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और उपलब्धियां लेकर आती हैं, माहौल को खुशनुमा बनाती है। रंगोली बनाने से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर पर देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। यदि आपका घर पूर्वमुखी है और आप मुख्य द्वार पर रंगोली बना रही हैं, तो घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण के विकास एवं मान सम्मान में वृद्धि के लिए यहाँ अंडाकार डिजाइन में रंगोली बनाए। पूर्व दिशा में अंडाकार डिजाइन जीवन में विकास के नए मार्गों को प्रशस्त करता है। पूर्व दिशा में रंगोली बनाने के लिए सात्विक और ऊर्जा प्रदान करने वाले रंग जैसे लाल, पीला, हरा, गुलाबी, नारंगी आदि का इस्तेमाल समृद्धि को बढ़ाता है। उत्तरमुखी घर के लिए उत्तर दिशा में लहरदार या जल के गुण से मिलता जुलता डिजाइन बनाकर आप अपने जीवन में स्पष्टता और उन्नति के नए अवसरों को आमंत्रित कर सकते हैं। पीले, हरे, आसमानी और नीले रंगों का प्रयोग इस दिशा की रंगोली के लिए करना बहुत शुभ माना गया है। दक्षिण पूर्व में त्रिकोण एवं दक्षिण मुखी घर में खूबसूरत आयताकार पैटर्न की रंगोली बनाना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस दिशा की रंगोली में रंग भरने के लिए आप गहरा लाल, नारंगी, गुलाबी एवं बैंगनी रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से बनाई हुई रंगोली आपके जीवन में सुरक्षा एवं आत्मविश्वास को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। यदि आपका घर पश्चिम मुखी है तो सुनहरे एवं सफेद रंगों के इस्तेमाल के साथ गोलाकार रंगोली बनाएं। सफेद और सुनहरे रंगों के साथ लाल, पीला, भूरा, हल्का हरा जैसे रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर पंचकोण आकार लिए हुए भी रंगोली बनाई जा सकती है। इस दिशा में इस प्रकार की सुंदर रंगोली बनाकर आप अपने जीवन में लाभ एवं प्राप्तियों को आमंत्रित कर सकते हैं। दिया,
दिवाली की पूजा में घी या तेल के दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर के सदस्यों को यश एवं प्रसिद्धि मिलती है। वास्तु नियमों के अनुसार अखंड दीपक पूजा स्थल के आग्नेय कोण में रखा जाना चाहिए। इस दिशा में दीपक रखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा के दीपक उत्तर दिशा में रखने से घर धन धान्य से संपन्न रहता है। ध्यान रखें कि यदि मिट्टी का दीपक जला रहे हैं तो दीप साफ हो और कहीं से टूटे हुए ना हो। किसी भी पूजा में टूटा हुआ दीपक अशुभ और वर्जित माना गया है। गाय के घी का दीपक जलाने से आसपास का वातावरण रोगाणु मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। दीपक से हमें जीवन में उद्धर्वगामी होने, ऊंचा उठने और अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा डालने की प्रेरणा मिलती है। हमें उम्मीद है ये सारी जानकारियाँ इस दिवाली आपके बेहद काम आएंगी। अगर हमारे चैनल लाइव सिटीज एस्ट्रो को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अध्यात्म की दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।